इंग्लिश में दे देते हैं। वो संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा में बोलने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नरेंद्र मोदी था क्या? मोदी था क्या? हाँ मोदी होगा सर। मोदी सर, मोदी। आपका जवाब गलत है। रुको रुको। नहीं, अमित शाह बोला ही नहीं कभी। हाँ ठीक है सर, पास। यस, किसी को? अच्छा सर, अगर आप गेम खेले, माइंड गेम खेले सर, वो भी गलत है। बोलते वो तो माइंड गेम खेले, वही तो हम सोचे। हाँ अटल होगा, फिर सोचे आप नहीं बोले तो हम नहीं होगा। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी शब्द संस्कृत, संस्कृत से तो हम मानते हैं कि लिया गया है। ये मैंने पहले बता दिया था, उन्होंने फारसी बोला है। फारसी बोला है। हाँ लास्ट में हम वो कैंसिल करके हो गए। ओके, फिर भी ना, हाँ फारसी बोला है तो पास पास कुछ बोल सकते हैं। पाली तमिल सर नहीं, खत्म ना। पर्सियन को फारसी बोलते हैं। हाँ हाँ, सही है। हिंदी भाषा में यूडीसी को अपर डिवीजन क्लर्क को क्या कहते हैं? टीम नंबर 4 सोच रहे हैं, गहरी डिस्कशन चल रही है। अपर श्रेणी लिपिक और उच्च श्रेणी लिपिक, लिपिक के। सो ये दोनों के बीच में कंपटीशन है। अगर ये टीम ने जवाब सही दे दिया मतलब ड्रॉ हो जाएगा, अगर गलत जवाब दिया तो ये टीम जीत जाएगा क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन राउंड। चलो देखते हैं। नहीं मेरा दो जूम नहीं कर सकते। चलो चलो। ओहो ये जीत गया, जीत गया। गुस्सा गया अपना। The correct answer is Sri Ashtavinayak Senior Vinayak. So, round ये टीम जो ये क्लोज था। तो हम लोग का प्रोग्राम खत्म होते हुए, बाय कीजिए सबको, दर्शकों को बाय 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 बाय, गुड नाइट, टाटा, स्वीट ड्रीम। गाइस भूख से, भूख के कारण यहाँ पे काफी देर तक बैठा है हम लोग का। क्विज कॉम्पिटिशन क्या क्या हुआ है, सिंगिंग हुआ है वगैरह वगैरह, तो अभी भूख से यहाँ पे अपना थॉमस भाई क्लाइंबर है, अमरूद तोड़ रहे हम लोग। अंततः हम हिंदी पखवाड़ा समारोह के समापन पर आ पहुंचे हैं। हिंदी पखवाड़ा मनाने का उद्देश्य ये है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में हिंदी हमारे बोलचाल में इसका प्रयोग करें और साथ ही इसका प्रोत्साहन करें और बढ़ावा दें। जय भारती, वंदे भारती, जय भारती, वंदे भारती। सुप्रभात, नमस्कार सभी को। सबसे पहले सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आकाशवाणी ईटानगर द्वारा आयोजित जोरम आयम सह प्राध्यापक तथा हिंदी विभाग प्रमुख डेरा नाथ गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर मैडम, आपका आकाशवाणी में और इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। और मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि डॉक्टर जोरम आन्या जी 2018 में मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित है और साथ ही आप हिंदी एडवाइजरी कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर है और नेहू के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर भी है। ऐसे छोटे से हमने एक आइडिया लिया कैसे करेंगे क्या करेंगे, ऐसा सभी लोग इन्होंने ऑल क्रेडिट कोर्स तो आपको ही। कहानी के बाद और प्रश्न करें।
मैं देर हो गई इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन कई बार जीवन में अति उत्साह जो है ना वो गड़बड़ भी कर देती है। लेते हैं अभी जब आप एक बात देखेंगे, संस्कृत हमारी जो सभी भाषाओं की माँ कहलाती, कारण क्यों कहलाती उसका मैं एक उदाहरण देती हूँ, वो मैं खुद उसको जी हूँ। साउथ इंडियन कहीं भी जाते कोई भी भाषा को वो बहुत सहजता से बोल लेते हैं, कारण इनकी भाषा बहुत संस्कृत से करीब है। इसके बाद पूरे भारत देश में हमारे भारतीय, आज हिंदी दिवस पर बहुत सारे इंटरव्यू आ रहे हैं, आप देखिएगा जो विदेशी हिंदी बोलते हैं ना, तब भी हमें पता चल जाता है कि ये विदेशी ये हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन हम भारतीय जब अंग्रेजी बोलते हैं या कोई भी भाषा बोलते हैं ऐसे लगते हैं कि वो ही के हैं। कारण जिसकी जो है मूल में हिंदी के जो स्वर्ण, जो अभी मृदुला मैम ने बताया, जो स्वर्ण व्यंजन को अच्छी तरह समझ रही है ना, वो किसी भी भाषा को बोल सकते हैं। और ये और संस्कृत आपके बच्चे को हिंदी बोल सके, इस तरह की आपको प्रतिभा लाना है तो एक ही काम करना है, आप उसको वर्णमाला सिखाने से नहीं होता है तो वंदे मातरम सिखा कर देखे। अगर बच्चे वंदे मातरम गाए सब ठीक ठाक से, मैं आपको लिख कर देती हूँ, कोई भी भाषा को आराम से सीख और उसी तरह। तो कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, यहाँ पे एंडिंग में हम लोग को यहाँ पे खाने का यहाँ पे प्रोग्राम है, लंच रेडियो की तरफ से रन लंच का प्रोग्राम रखा हुआ है यहाँ पे। सो दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। ये तो श्योर रसगुल्ला है, खाना शुरू करते हैं। थैंक यू, जितना गिरा सकता है गिरा बोले। और ये क्या है? नहीं हो जाएगा भाई, वो क्या है? ये क्या है? पनीर दे दो थोड़ा सा। हाँ दे दो, जो जो गिरता है गिरने दो, हो जाएगा हो जाएगा, एक बार ही दे दो वो। ओ बढ़िया, और क्या है? प्याज, ये कॉपर डाल दो, और डाल दो कॉपर। थैंक यू। हाँ मिर्चा नहीं चाहिए, थैंक यू। गाइज हम सबसे फर्स्ट खाना लिया था ना, इसलिए हम सोचा कि सब बाहर आके खाएगा, तो हम बाहर आए तो मेरे आसपास कोई दिखा नहीं, हम अकेला खा रहा था। तो हम ये खाने के बाद देखेगा सब लोग कहाँ पे खा रहे हैं, चुपके खा रहे हैं क्या। तीन आदमी के लिए तीन देखो आदमी लोग कहाँ कहाँ खा रहे ना, खत्म कर दिया। देखो आदमी लोग कहाँ कहाँ खा रहे, मतलब ये हम बाहर में अकेला डिसिप्लिन से खाए, देखते हैं यहाँ पे तो नहीं है। रुको, हाँ ऑफिस का बाहर में कार्यक्रम ये भी समाप्त होता है, मुझे सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग पे, उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम, आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग पे।